गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1। उसका फोर्थ सम हम करेंगे, जो कि क्या दिया गया है। अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। क्या है पैरेललोग्राम शेप का, कुछ इस शेप का हमारा पैरेललोग्राम का क्या है, टाइल है, ठीक है, जिसका बेस हमारा क्या है 24 सेंटीमीटर और जो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है, ये वाली जो हाइट है वो कितनी दे रखी है हमें, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि हमें कितनी टाइल्स रिक्वायर हैं किस एरिया के लिए, एक फ्लोर को कवर करने के लिए जिसका एरिया कितना है 1080 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। बेस ऑफ टाइल क्या है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ टाइल कितनी दे रखी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, एरिया फ्लोर क्या दे रखे हैं हमें 1080 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे पास ये मेज़रमेंट है ये डिफरेंट है, सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है हमारा जो एरिया है। तो अब हमें क्या करेंगे, एक ही मेज़रमेंट में हम इसे क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड, तो 24 बाय 100, तो बाय में 100 तो टू डिजिट छोड़ के क्या लगेगा, डेसिमल 1 2, तो 0.24 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर 10 बाय 100, 10 से 10 कैंसिल, 1 बाय 10 यानी कि 1 डिजिट छोड़ के, तो 0.1 मीटर। ये अब हमारा क्या हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो एरिया ऑफ टाइल, वन टाइल जो हमारा है, अगर हम एरिया ऑफ वन टाइल निकाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद जब हम फ्लोर के एरिया को जो टाइल का वन एरिया है उससे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड टाइल्स हैं वो अब हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन टाइल क्या है, एरिया ऑफ वन टाइल बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट क्या है हमारे पास, जो ये हमारी हमने मीटर में चेंज किया था, बेस हमारे पास क्या 0.24 मीटर मल्टीप्लाई 0.1 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसे सोल्व करना है। तो 0.24 जब इसका पॉइंट हमने हटाया तो 2 पॉइंट छोड़ कर डेसिमल था, तो 2 बाय में क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई 1 बाय 10, क्योंकि डेसिमल के बाद ओनली 1 है। तो 24 बन जा 24, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1000। तो रिक्वायर्ड टाइल ऑफ कवरिंग फ्लोर, जब हमें कवर करना है किसी एरिया को, फ्लोर के एरिया को हमने कवर करना है, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड टाइल है वो हमें कैसे पता लगेगा, जो एरिया फ्लोर गिवन है उसे क्या करेंगे, वन टाइल के एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या है हमारे पास 1080 मीटर स्क्वायर डिवाइड में 24 बाय 1000, ठीक है। तो ये अब हमारा क्या होता है 1080, ये हमारा जो बाय में था 1000 का, ये अब हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद 24 को जब हम डिवाइड करेंगे 1080 से, तो हमारा क्या आएगा 45, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई का 1000, तो 45,000 टाइल्स क्या है हमारे पास रिक्वायर्ड हैं अगर हमें 1080 मीटर के फ्लोर के को कवर करना होगा। तो हमारे पास कितनी टाइल्स को रिक्वायर करना है, कितनी टाइल्स लगेंगी हमारे पास 45,000। उसके बाद हमारे पास क्या है, फिफ्थ सम है हमारे पास, एंड आंट इज़ मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पाइप ऑफ डिफरेंट शेप स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फॉर विच फूड पाइप वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। रिमेंबर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन सी इक्वल्स टू 2πr, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। अब क्या कह रहा है कि एक आंट है, कोई चीटी है, वो इन तीन फूड पाइप में से क्या है फूड को लेके जाती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि किस फूड पाइप से वो ज़्यादा राउंड लेगी, भी कितना उसे ज़्यादा चलना पड़ेगा, किस फूड पाइप में अपने फूड को लेके ज़्यादा चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ रिमेंबर करने के लिए हमें बोली है कि जो उसकी सर्कमफ्रेंस है वो क्या है 2πr,
किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2πr। सर्कमफ्रेंस क्या होती है हमारी? किसी भी चीज़ की बाउंड्री। सर्कल की हमारी बाउंड्री, बीच वाला एरिया हम नहीं कवर करते, वो क्या हो जाता है? सर्कल एरिया हो जाता है, सर्कल का एरिया। बट जो ये हमारी बाउंड्री बाउंड्री होती है, वो हमारी क्या होती है? सर्कमफ्रेंस होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या है? ए, ये दे रखी है हमें, फूड पाइप दे रखी है एक, इसे हमने नाम दे दिया ए। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है? ए टू बी 2.8 सेंटीमीटर, और ये हमारा एरिया, ये एक सेमी सर्कल दिया हुआ है हमें, ठीक है। उसके बाद ये बी पार्ट दे रखा है, बी फूड पाइप दे रखी है एक, तो हमारे पास ये आर्क है हमारे पास, ठीक है, जिसकी ये क्या दे रखी है? ये भी हमारे पास क्या दे रखी है? 2.8 सेंटीमीटर। और बी सी हमारे पास क्या दे रखा है? 1.5 सेंटीमीटर, इसकी जो साइड दे रखी है हमें। और ये एक हमें आइसक्रीम की शेप में एक फूड पाइप दे रखी है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये साइड क्या हमारे पास 2 सेंटीमीटर, और ये ऊपर क्या है हमारे पास? एक सेमी सर्कल है, ठीक है, जिसकी हमारे पास आर्क की वो जो मेज़रमेंट है वो क्या दे रखी है? 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है? डिस्टेंस मूव्ड इन ए, ए फूड पाइप में कितना डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ेगा? देखो, ये ए बी से, ए से चले तो ए से बी, और ये आर्क हमारी ए बी यानी कि सेमी सर्कल को कवर करेगी, सर्कल के हाफ को। अब सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है हमारे पास? 2πr। और सेमी सर्कल की क्या होगी? 1/2, हाफ हो जाएगी। सेमी मीन्स क्या होता है? हाफ। और हाफ क्या होता है? किसी चीज़ को 2 से डिवाइड करना। तो जब डिस्टेंस मूव्ड इन ए, ये हमारे ए में जो डिस्टेंस मूव करेगी, कितना राउंड लगाएगी, वो क्या है? आर्क ए बी और ये बी ए, यहाँ से चलेगी, यहाँ पहुँचेगी, और बी से फिर ए तक, ठीक है। आर्क ए बी प्लस बी ए, इतना राउंड उसे लेना पड़ेगा दोबारा से ए पॉइंट पे आने के लिए। तो आर्क ए बी, ए बी का आर्क मतलब सेमी सर्कल, 1/2 मल्टीप्लाई 2πr प्लस बी ए, ये क्या दे रखा है? 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास ये जो डायामीटर है किसी भी सर्कल का, उसको जब हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या होती है? डायामीटर होता है। तो डायामीटर कितना? 2.8 सेंटीमीटर। और उसका आर यानी कि रेडियस फाइंड करनी होती है, जैसे आर की हमें नीड है यहाँ पे। आर क्या होते हैं? डायामीटर का हाफ, तो 2.8/2 वो क्या आ गई? 1.4 सेंटीमीटर। तो फिर हम फॉर्मूला जो हमने आर के बी सेमी सर्कल का 1/2 मल्टीप्लाई 2πr, 1/2 मल्टीप्लाई 2πr, पाई मतलब 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई 1.4 प्लस 2.8, तो 2 से 2 क्या होगा? कैंसल, 1.4 पॉइंट जब हम हटाएंगे तो बाय में क्या आएगा? 10, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या है? हम ओनली 1 पॉइंट है, 1 डिजिट है, तो वो क्या होगा? 10। तो 7 × 2 = 14, तो 22 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा? 44/10 प्लस जब इसका डेसिमल हटाएंगे तो बाय में 10, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या? 72/10, क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर था वो सेम था, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या है? 10, तो क्या आएगा? 7.2 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस मूव्ड इन बी, बी में डिस्टेंस जो मूव करेगा ए पॉइंट पे दोबारा आने के लिए, उसे क्या करना पड़ेगा? ए से डी, डी से सी, सी से बी, और ये आर्क तक, ठीक है। आर्क ए बी यानी कि ये भी हमारा क्या है? सेमी सर्कल है एक, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा? आर्क ए बी, आर्क जो ये हमारी ए बी प्लस बी सी, डी सी और ए डी, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या है? 1.5 सेंटीमीटर। ये भी हमारे पास क्या है? 1.5। ये भी हमारे पास क्या है? 1.5, सॉरी, ये हमें क्या दे रखा है? एक रेक्टेंगल शेप में दे रखा है। तो अपोजिट साइड क्या होती है हमारे पास? इक्वल। तो ये हमारी क्या है? डी सी क्या है? 2.8 सेंटीमीटर। तो आर के बी, आर के बी मीन्स सेमी सर्कल, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2πr प्लस 1.5, बी सी 1.5, डी सी, डी सी हमारे पास क्या है? 2.8 प्लस डी ए, डी ए हमारी क्या है? अपोजिट साइड क्या? इक्वल, 1.5 सेंटीमीटर।
तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 1.4, जो इसकी रेडियस आएगी वो क्या आएगी, 1.4 प्लस 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, तो 2 से 2 क्या होगा हमारा कैंसिल, 7 2 14, 22 की मल्टीप्लाई 2 से 44, इनका एलसीएम सबका क्या आएगा 10 आएगा, 15 प्लस 28 प्लस 15 जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 102, बाय में 10, तो बाय में 10 है तो 1 छोड़ के क्या लगाएंगे हम, डेसिमल लगा देंगे, 10.2 सेंटीमीटर। फॉर फूड पाइप सी, फूड पाइप सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी बी सी और आर्क फिर से ए बी, ठीक है, तो आर्क ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2πr प्लस 2 प्लस 2, 1/2 2 मल्टीप्लाई पाई 22/7, आर क्या है 1.4 प्लस 4, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 22/7 मल्टीप्लाई 14/10 प्लस 4, तो 7 2 14, 22 की मल्टीप्लाई 22 2 44 प्लस 4, तो 1 डेसिमल छोड़ के हम क्या लगाएंगे, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिए, 4.4 प्लस 4, जब इसे ऐड करें तो क्या आएगा 8.4 सेंटीमीटर। तो अब हम तीनों में कंपेयर करेंगे हमारे पास सबसे बड़ा किसका एरिया आया है, किस, ठीक है, तो वो एरिया किसका है, फूड पाइप बी का, ठीक है, तो फूड पाइप बी को कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है, तो इट मीन्स 10.2 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर, सो बी फूड पाइप इज़ लॉन्गर, यानी कि इसे बी जो फूड पाइप है उसके राउंड क्या लेने होंगे, ज़्यादा लेने होंगे।